हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूजा, मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो? तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे हाँ? प्लीज पूजा, गुस्सा मत करो, मैं भी साथ चलता हूँ ना। अकी, तुम वो मौका कब का खो चुके हो? अरे यार, हो गई गलती, माफ कर दो। ये अच्छा है तुम्हारा, हर बार गलती करो और फिर माफी मांग लो। वाह, क्या बात है, जाने दो मुझे अकी, प्लीज पीछा छोड़ो मेरा। ये कहना था क्या? सॉरी बोल रहा हूँ ना। अकी, हाथ छोड़ो मेरा, क्या जबरदस्ती है ये। रोकिए, प्लीज 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 रोकिए। पागल लड़की, बीच सड़क पे खड़ो के जान दे रही क्या? नहीं, मुझे गोवा जाना है, लिफ्ट चाहिए। कोई रुक ही नहीं रहा था, इसीलिए बीच सड़क में आ गई। आई एम सॉरी, प्लीज। On यार, let's go। बहुत भूख लगी है। हाँ यार, बहुत भूख लगी है। चलो यार, फटाफट ऑर्डर करते हैं। हाँ। यहाँ तो मैं ही बैठूंगी। मैं अभी आती हूँ। तू भी ना। क्या ऑर्डर करना है आंटी? वॉशरूम कहाँ है? अंदर है पुत्र। काम्या, ये किसको चिपका दिया मेरे साथ? क्या यार वैशाली, बिचारी अकेली लड़की है, जाने देना। उसकी जगह तू होती तो। ओ लक्ष्य, प्लीज, अगर मैं अकेली भी होती ना तो खुद को अपने आप को मैनेज करना आता है मुझे। अरे छोड़ ना वैशाली, वो कौन सा तेरे घर पे एक डेरा डाल के बैठने वाली है। गोवा जाके तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। क्या यार, चलो ना खाना खाते हैं। इसे पता नहीं अभी तक? नहीं, नहीं पता। अरे आओ पूजा, बैठो। सोनिका, आई थिंक तुम लोग मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तुम यहाँ तक लेके आई उसके लिए थैंक यू सो मच, पर यहाँ से मैं अपने आप चले जाऊंगी। अरे पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। विशाली जुबान की तेज जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। अरे तुम बैठो, आओ जरा। हाँ, बैठो ना। बस यार, देखना अभी खाना खत्म हुआ है। हाँ बस आ ही रहे हम लोग, गोवा के लिए निकल गए। बस एक लस्सी ऑर्डर की थी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। लक्ष्य के बारे में सोच रही है ना? नहीं। कितनी बार कहा है तुझसे, भूल जाओ उसको, वो काम्या से प्यार करता है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। तू देखती रहना,
एक दिन मैं इसे अपना बनाकर ही रहूंगी। मैंने ही आपको फोन किया था। बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट है सर। ये एक्सीडेंट का मामला है तो सीआईडी को क्यों फोन किया? सर पहले मुझे ये एक्सीडेंट का ही मामला लगा, लेकिन जब मैंने ये गन देखी तब आपको फोन किया। सर और ये बाइक, ये सामान भी उन्हीं लोगों का है। सर लगने का कोई निशान तो है नहीं? Oh no. जा देखो इसके बॉडी पर गोली लगी है क्या? चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है, लगता है कोई गाड़ी इसके सर के ऊपर से गई है। सर इसे भी गोली नहीं लगी। सर तो फिर ये गन किसकी? ये गन दोनों में से किसी एक की होगी। सर क्या लगता है आपको, एक्सीडेंट है ये या मर्डर? अभी कुछ कह नहीं सकते। सर हाँ? सर दोनों बैग्स में कुछ कपड़े थे और ये दो आईडी कार्ड्स मिले। लक्ष्य और काम्या, लड़का तो लक्ष्य है पर ये लड़की कामयाब है या नहीं ये जरा बताना मुश्किल है। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, हम पहुंचते हैं अभी। क्या हुआ? सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नाले के पास एक लड़की पड़ी हुई है। नाले के पास लड़की? हाँ सर। बॉडी को एम्बुलेंस में डालो जल्दी। एक मिनट हटिए, साइड में हटिए, पीछे आइए, पीछे हटिए, पीछे आइए आप लोग सब लोग। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए, आइए यहाँ आइए आप। ये बाइक आपकी है? नहीं सर। किसकी बाइक है ये? पता नहीं सर, हम में से तो किसी की नहीं है, शायद वो लड़की जो नीचे उसकी हो सकती है सर। पंकज बैग चेक करो। यस सर। हटिए। शरीर पे कोई चोट या गला दबाने का निशान नहीं। तो फिर ये लड़की मरी कैसे? जहर का कोई असर तो दिख नहीं रहा इस पे। सर हाँ सवाल के सर, वो दो बैग में 2 IDs मिले। आराम से आराम से। एक तो इसी का है, निहारी का नाम है इस लड़की का, और ये पैन कार्ड किसी सोनिका का है। ये सोनिका का है? मयूर जरा देखो यहां आसपास,
सर। ओए सर, सर सोनिका के बैग में ये बॉटल मिली थी। स्लिपिंग पिल्स की बॉटल, इसके अंदर की गोलियां कहां गई? पता नहीं सर, मैंने नहीं खाई। सर अगर सोनिका ने स्लीपिंग पिल्स खाई भी हैं तो एक या दो खाई होगी, कोई पूरी की पूरी बॉटल क्यों खत्म करेगा? हो सकता है इस बॉटल में एक दो पिल्स ही हो। मगर अगर कोई कहीं जा रहा था और इतना सब बैग पैक करके जा रहा था तो ये नींद की गोलियां सिर्फ एक दो टैबलेट लेके क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है सर। सर आसपास सब जगह देख लिया मगर सोनिका कहीं नहीं दिखी। कहीं नहीं? हेलो, पीछे आइए। विश्रिया, इस लड़की को नीचे उतारो, हाथ पकड़ लो, नीचे। पंकज जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सर ये सब इन्हीं की गलती थी। इन्हीं की गलती मतलब? आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? सर रात को कोई 3:30 का वक्त था, लगे मेरी गाड़ी से रेस लगाने, बाइक लेके ऐसे दौड़े जैसे कि पूछो ही मत। मैं रेयर व्यू मिरर से देख रहा था। सर मुझे लगता है कि इनके बाइक का बैलेंस बिगड़ गया होगा और इस पेड़ से टकरा गए होंगे। पता नहीं इनके साथ वाले कहां गए। बाकी लोग थे मतलब इनके साथ कोई और भी था? सर 3-4 बाइक और थी। लोग कितने थे ये तो ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है इन दो लड़कियों के साथ काम्या, लक्ष्य और निहारिका, ये सब साथ में ही थे। सर आप अंगज। सर इन दोनों की आईडीज मिली। वो जो लड़की ऊपर पेड़ पे गिरी थी उसका नाम पूजा है और जो नीचे बाइक के पास थी उसका नाम वैशाली है। जरूर कोई ना कोई वजह तो रही होगी जो सारे के सारे एक साथ मारे गए। लाशें और 6 आईडी। सोनिका कहां गई? उसके साथ क्या हुआ होगा? या तो ये सोनिका विक्टिम है या फिर इन पांचों की मौत की वजह सोनिका। और सर अगर सोनिका घायल थी तो भी वो किसी से मदद मांग सकती थी, अपने दोस्तों में से किसी की जान बचा सकती थी। बिल्कुल, ये सोनिका का गायब होना एक पहेली है। सर किसी का फोन बज रहा है। सर देखो सर,
सर इस पूजा के बैग से फोन बज रहा है। निकालो। किसी अक्की का फोन है सर। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? ये क्या नाटक लगा रखा है? चुपचाप वापस आ जाओ वरना। कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रही हो? पूजा कहाँ है? इंस्पेक्टर पूर्वी, सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है? सीआईडी ब्यूरो आ जाओ, बताते हैं। पूजा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो तो थोड़ी नोकझोंक हो गई थी तो गुस्से में मैंने ऐसे ही बोल दिया। पूजा कहाँ है? पूजा की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। क्या? मेरी पूजा नहीं रही, मना किया था उसे, बच्चा गोवा बस छूट गई, फिर भी लिफ्ट लेके चली गई। क्या, पूजा ने लिफ्ट ली थी? हाँ सर। ये इन बाइकर्स के साथ गई थी? को पहचानते हो तुम? नहीं सर, सर पहले कभी नहीं देखा, पूजा ने भी इनके बारे में कभी नहीं बताया। जी द्वारका जी बोलिए। हाँ तारिका जी बताइए, क्यों बुलाया था आपने? मिठाई खिलाने के लिए नहीं बुलाया है, जो लैब में मिला है उसे बताने के लिए बुलाया है। मालूम, पर आपसे कोई उम्मीद भी नहीं। आप बताइए। ये जो लड़की है पूजा, इस अरे लैब में तो साइलेंट पर। हाँ हेलो। हाँ अरे डार्लिंग, तुमसे कहा है ना, वादा किया है मैंने, आज तक कभी वादा सुनो तो सही, बात तो पूरी सुनो तुम। हाँ तो मैं वादा पूरा निभाऊंगा, प्लीज वेट वेट फॉर सम टाइम, आऊंगा जरूर आऊंगा पक्का। शॉपिंग तुम कर लो ना यार, शॉपिंग में क्या रखा है, आऊंगा बाबा पक्का आऊंगा। हेलो सुनो, हेलो डार्लिंग प्लीज, हेलो। काट दिया। कट गई? काट दिया, वेरी सैड। ज्यादा सैडनेस मत बढ़ाओ। अरे नहीं सर, मैं क्या बोलूं? नहीं बोलो भी मत, सिर्फ सुनो काम की बात। क्या सुनाइए? हाँ ये नींद की गोलियों की खाली शीशी, इसमें जो नींद की गोलियां थी वो सारी की सारी इस पूजा के पेट में मिली। इतनी सारी गोलियां इसने अपने आप तो खाई नहीं होगी, जरूर खाने पीने में ही दी गई होगी। पर हाँ, उस लक्ष्य के पेट में भी कुछ नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले, शायद उन गोलियों के असर से ही उसने वो एक्सीडेंट किया होगा। और उसके बाद पीछे से आती हुई कोई गाड़ी इन लोगों को रौंद के चली गई। बाकी लोगों की मौत की वजह? हाँ बाकी लोगों के मरने की वजह है। मैं आ रहा हूँ तुमसे कहा ना यार, मैं आ रहा हूँ, प्लीज समझा करो। अरे बाबा काम का प्रेशर होता है, कांट यू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज प्लीज। देखो ना, अरे तारुंगे साहब की तो घंटी बज गई। तारिका जी आप बताइए क्या हुआ था? इन दोनों के अलावा बाकी इन तीनों को जहर दिया गया है। काम्या, वैशाली और निहारिका, इन तीनों की मौत जहर से हुई है। कमाल है, किसी को जहर दिया गया तो किसी को नीम की गोली। डॉक्टर तारिका, इन्हें जहर कैसे दिया गया होगा ये बात अभी बताना तो जरा मुश्किल है श्रेया, लेकिन एक बात, मरने से बस कुछ ही देर पहले इन सब ने खाना खाया था। इनफैक्ट मरते वक्त इनका खाना डाइजेस्ट भी नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब जो कुछ भी हुआ है खाना खाने के टाइम ही हुआ है। वो आदमी बता रहा था ना कि एक्सीडेंट स्पॉट से 20 किलोमीटर पहले ये लोग उससे रेस लगा रहे थे। ये आसपास कोई ढाबा या होटल होगा, पता करते हैं। ओ मन याद आए मेरे आदी। नमस्ते जी। नमस्कार जी, की हाल चाल, रोटी शोटी खाओ। नहीं खाने पीने नहीं आए, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल जी? ये फोटोज देखिए,
क्या ये लोग आपके ढाबे पे आए? हाँ जी, ये तो रोटी शोटी खा के गए थे रात को। और बात क्या है, ये सब जहर खा के मर गए। जहर लेके मार दिया सबको? इनमें से 5 लोग मर गए और एक लड़की है जिसका अता पता नहीं चल रहा अब तक। एक मिनट जी, और कौता तू यहाँ क्या कर रहा है? और 7 नंबर 8 नंबर पे घर के जाके देख क्या गर्दन हिला रहा है। साहब ये बताइए, आपने उनके साथ किसी और को देखा था या उनका यहाँ ढाबे पे किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? आप लोग कौन है? हम लोग CID से। CID से? हाँ जी, मुझे लग ही रहा था आपके बात करने के तरीके से या तो आप पुलिस वाले हो सकते हो या CID। देखिए मैडम, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर इन लोगों में से 5 लोगों की हमें लाशें मिली। क्या उनमें से आपको कोई अजीब लग रहा था? आप मुझे वो फोटो वापस दिखा सकती हैं? ये गड़बड़ है जी। क्या क्या गड़बड़ लग रहा था आपको? वो जी, जब राजू गरम रोटियां लेने आया था ना, हैं? तब वो अपने दोस्तों के बीच से उठ के उधर चली गई। मुझे लगा पेशाब, मतलब हाथ वाथ धोने गई होगी, उधर वो गई नहीं। फिर कहाँ गई? जी वो तो उधर पीछे कोने में चली गई, एक बाइक वाला आया था उससे मिलने। अच्छा, फिर? जी फिर क्या, उसने एक बोतल दी उसके हाथ में। और वो बस बाइक लेके फूल करके उड़ गया और वो लड़की अपने दोस्तों में बैठ के फिर खाना खाने बैठ गई। फिर जी फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर हाँ जब वो कुड़ी जा रही थी ना, मैंने उससे पूछा तूने काके का नहीं बिठाया रोटी शोटी खाने? जी वो मुझे डेले काट के देखने लग गई। अच्छा, वो लड़का जो बाइक पे आया था उसका चेहरा देखा आपने, पहचान सकती है आप उसे? नहीं जी, वो क्या था ना, उसने हेलमेट डाली थी। अगर मुझे पता होता ये सब गड़बड़ घोटाला है तो जी मैं उसकी पूरी कुंडली निकाल के रख देती। हाँ वैसे भी मेरी नजरों से कोई बच के नहीं जा सकता, सब पे नजर रहती है मेरी। हाँ जी, उस बाइक का नंबर देखा, कलर याद है? नहीं सर जी, पर हाँ वादा करती हूँ आइंदा सब कुछ नोट रखूंगी, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है कि पुलिस को सब कुछ बताना पड़ सकता है, भाई ढाबे पे कौन आया कौन गया कब, है ना? शुक्रिया जी। और राजू कदर इधर आ। कौन हो सकता है वो लड़का जो ढाबे में सोनिका से मिलने आया था? हो सकता है उसी ने जहर पहुंचाया उस सोनिका के पास, तो सोनिका ने कामिया और उसके दोस्तों के खाने पीने में मिला दिया और अब सोनिका ही गायब है। सर एक नई बात पता चली। क्या? सर पूजा और लक्ष्य एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। क्या दोनों की पुरानी जान पहचान थी? हाँ श्रेया। सर ये देखिए हम दोनों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। उनकी तो महीनों से एक दूसरे से बात चल रही थी। लिफ्ट लेने के टाइम तक पूजा ने लक्ष्य से बात की थी। सर अकी तो कह रहा था कि पूजा ने अनजान लोगों से लिफ्ट ली थी। शायद अकी को पता नहीं होगा पूजा और लक्ष्य के रिश्ते के बारे में। लगता है ये पूजा और लक्ष्य का प्लान है। पूजा जानती थी कि ये बाइकर्स गैंग गोवा जाने वाला है। ये इनके अगले पिछले जितने भी फोन के लोकेशन है ना वो चेक करो, कहाँ कहाँ जाते थे, शायद इनके प्लान के बारे में कुछ पता चल जाए। अक्सर जाया करते थे। ये ज़ूम करो, कौन सी जगह? सिटी प्लस हॉस्पिटल। दोनों
हॉस्पिटल में क्या करने जाते थे? जरा वो लिस्ट देना, देखूं किस किस के नाम है ब्लड टेस्ट के लिए। ये कोई टाइम है आप लोगों के आने का? कब से वेट कर रही हूँ। हमारा? हाँ। अरे आपको कैसे पता हम लोग आने वाले थे? तुम्हारा नाम पंकज है। पंकज, तुम्हारा नाम इन्हें कैसे मालूम? सर मैं फेमस, फेमस लोग का नाम है सब जानते हैं। आपको क्या मालूम? आप बताइए। आप यहाँ पे नंबर लगा के गए थे। नंबर लगा के गया? पंकज तुम यहाँ पर कब आए थे? मैं कब आया था यार? क्या करने आए थे तुम यहाँ? सर मुझे देखिए सर, मैं इतना फिट हूँ, मुझे यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? यहाँ पे लिखा है पहले पंकज फिर नीरज, तुम्हारे पांच पांच ब्लड टेस्ट करने हैं। पांच ब्लड? अरे इतना खून नहीं है मेरे अंदर, मुझे सुई भी नहीं लगानी चाहिए सर। अरे सब बच्चे पहले ऐसा ही बोलते हैं। चलो मैम एक मिनट, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हो रही है। ये पंकज है मगर देखिए आप इसके बड़े भाई होंगे ना, आपको भी तकलीफ होगी ना देखने की इसका खून कैसे निकलता है, इसीलिए तो मैं आपको नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ इसे लेके जा रही हूँ, आराम से बैठ के खून निकालूंगी। खून निकालूंगी? ऐसा थोड़ी होता खून निकालूंगी। अरे 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 पूरी रोको इनको, अरे अरे इनको लेके जाओ, इनको लेके जाओ, इनको। अरे अरे सुनिए, अरे नहीं नहीं, अरे रोको इनको, अरे अरे रुको रुक जाओ। ये क्या लगा रखा है? इसका नाम पंकज है मगर ये वो पंकज नहीं जो आप समझ रही है, आपका पेशेंट नहीं है। हम लोग सीआईडी से और हमें केस के सिलसिले में यहाँ पे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने मौका नहीं दिया। उफ, ये फोटो देखिए, ये दोनों यहाँ आपके हॉस्पिटल में आते थे? हाँ हाँ आते रहते हैं ये तो। किस लिए? वो लक्ष्य का भाई है ना यहाँ पे, बेचारा कोमा में है। क्या, लक्ष्य का भाई? हाँ मनन नाम है उसका। लक्ष्य का भाई कहाँ से आ गया? उसके माँ बाप ने कहा था कि वो उनका एक ही बेटा है। लक्ष्य इकलौता बेटा था हमारा। हम इस मनन से मिल सकते हैं? हाँ आइए। ये रहा मनन। ये मन्नान कुमा में कैसे गया? 3 महीने पहले ये यहाँ पे एडमिट हुआ था, पूजा और लक्ष्य इसे लेके आए थे। पहले तो ये डिप्रेशन में था, उसके बाद कुमा में चला गया। ये पूजा क्यों आती? शायद लक्ष्य की गर्लफ्रेंड थी। सुना सर, लक्ष्य काम्या के साथ नहीं आता था, पूजा के साथ आता था। ऐसा लगता है इस लक्ष्य का चक्कर काम्या और पूजा दोनों के साथ चल रहा था। कहानी में बड़ी पंकज पता करो इस मनन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में कौन कौन आता था, तब तक हम इस पूजा का पता करते हैं। अक्की ने बताया पूजा का इस दुनिया में अपना कोई नहीं, इसके दरवाजे का ताला तोड़ना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ये पूजा का ही घर है ना? घर तो पूजा का ही है लेकिन यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ कुछ ढूंढने आए? साहब यहाँ पर बहुत पुलिस वाले आते हैं लेकिन किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। साहब अब तो मेरे को आदमी देखकर ही पता चल जाता है कि वो पुलिस वाले हैं कि चोर। साहब आप लोग पुलिस वाले हो ना? हाँ हम लोग सीआईडी से हैं। ये पुलिस वाले यहाँ क्यों आते थे? सर वो पूजा के माँ बाप का मर्डर हुआ था ना, इसलिए। कब मर्डर कब हुआ था? सिर्फ उस समय दिन वक्त और महीना तो मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, क्या आप पूजा के बारे में कुछ और बता सकती हैं हमें? उस बच्ची के बारे में क्या बताऊं, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसने बहुत कुछ सहा, अचानक ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया और उसके बाद तो जैसे उसके भाई के दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा उस पर। भाई? पूजा का कोई भाई भी है? मनन, मनन ही तो पूजा का भाई है। मनन पूजा का भाई? मनन लक्ष्य और पूजा है ना, ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे। अरे मनन क्या कर सकता है, वो तो अभी कोमा में। अगर वो कोमा में नहीं हुआ तो क्या? हाँ सर,
मेरा इंट्यूशन कहता है कि ये मनन है ना, ये कोमा में नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? क्योंकि मेरा इंट्यूशन है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने कहा है कि मनन कोमा में। सर डॉक्टर ने कहा है बात मैं मानता हूँ, मगर अगर सोचो ये कोमा में नहीं हुआ तो, एक्टिंग करो हुआ तो, और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो। सर आप कहाँ जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगा? एसीपी डीसीपी क्या? अरे मतलब एसीपी डीसीपी सर हमसे कितने खुश हो जाएंगे, हम लोग को प्रमोट कर देंगे सर, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। कुछ सोचो सर, कुछ सोचो, अच्छा आइडिया सोचो कुछ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आइडिया, सोच रहा हूँ एकदम जबरदस्त। सोचो। पंकज मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है, जल्दी बताओ। तेरे जूते और मोजे निकाल। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आई रिफ्यूज, ये नहीं हो सकता। इट्स माय ऑर्डर, निकालो, मैं तुम्हारा सर हूँ। ऑर्डर ऑर्डर सब ठीक है सर, इसकी जवाबदारी कौन देगा? मैं नहीं दे सकता, आप लीजिए अपने ऊपर। और ये एसीपी सर को कौन बोलेगा? सर ये हॉस्पिटल है, पे तहलका मच जाएगा। तहलका ही मचाना है पंकज, तहलका ही मचाना है। मैं अभी आया सर। मैं यार ये देखो क्या, मरो सब, सब मरो। इतनी भयानक बदबू कहां से आ रही है? हाँ मालूम, ओ तेरे मोजे से आ रही है। अपना आइडिया काम में आ गया पंकज, देख रहा तू। उन लोगों ने हॉस्पिटल में झूठ क्यों बोला कि मनन और लक्ष्य भाई है? अच्छा उस मनन को हुआ क्या था? सर पूजा के माँ बाप के मर्डर के बाद मनन डिप्रेशन में चला गया और दूसरी बहन भी अचानक गायब हो गई। दूसरी बहन? अब इस मनन और पूजा को कोई और बहन भी है? हाँ सर, पूजा और मनन के माँ बाप ने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया था। और सर पूजा और मनन की तो उस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, नफरत करते थे वो उस लड़की से। उस बच्चे का नाम क्या है जिसे गोद लिया था? काम्या। क्या काम्या? आप बार बार क्यों चौंक जाती हैं? पूजा और काम्या दोनों बहन थी और दोनों की आपस में पटती नहीं थी, कहीं इस काम्या को पूजा ने ही तो नहीं मारा? हो सकता है सर। सर इस पड़ोसी के मुताबिक पूजा काम्या से नफरत करती थी। पर सर पूजा के पेरेंट्स को किसने मारा? शायद इस पूरे ग्रुप का मर्डर और पूजा के माँ बाप के मर्डर में कुछ ना कुछ संबंध है। दूसरा डालू क्या? मर गए, मंदिर डाली का पाइप फट गया, बचा।
मेरे सॉक्स ने आदमी बदल दिया। अरे तुम्हारे सॉक्स से तो आदमी मर जाए। इसे छोड़ना नहीं सर, मनन की जगह पे ये सोया था। सर मेरे सॉक्स ने, मेरे सॉक्स से इसको उठा लिया। पंकज इसे अंदर रखो, सब बेहोश हो जाएंगे। अब तू सच बताएगा या अगलवा? नहीं सर बताता हूँ। बोल। नहीं सर मैं कुछ नहीं जानता। सर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मनन को 15 दिन पहले होश आ गया था और मैंने देख लिया था। सर मैं आपको ये भी नहीं बता सकता हूँ कि उसने मुझे पैसों का लालच दिया और कहा कि किसी को मत बताना। सर मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल से मेरी बाइक लेके जाता था। सर मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैंने उसको मोबाइल फोन ला कर दिया था और वो मोबाइल फोन मेरे पास ही रहता है, बाइक और मोबाइल दोनों लेके गया। सर सर मैं कैसे बता सकता हूँ? सर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मैं निर्दोष हूँ। हाँ 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 हमें हमें मालूम है तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम कुछ बता भी नहीं सकते। तुम तो ये भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ जाता था और वो कांटेक्ट कैसे करता था। मगर पूजा मर गई है और अब वो गया तो किसी ना किसी से तो कांटेक्ट करेगा और तुम तो हमें बता नहीं सकते कि किससे और कैसे कांटेक्ट करेगा, है ना? हाँ सर नहीं बता सकता, पर आप नंबर लिख लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये किसी को बताइए मैं। नहीं तुम कुछ बताते हो कहाँ? देखो की बाइक है, इसका मतलब यही कहीं होगा। अब बस वो आ जाए तो उसको भी निपटा दे और फिर मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए देश को बाय बाय कह दें। मैंने भी सारी तैयारी कर ली है मनन। सलमान के साथ सोनिका भी है। सही यही दबोच लेते हैं दोनों को। नहीं नहीं लगता है किसी का इंतजार कर रहे हैं। सर कोई आ रहा है। क्यों मनन, तुम्हें क्या लगा तुम यहां से चुपके से रफू चक्कर हो जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? पता तो तुम्हें भी नहीं चला। सीआईडी यहां पे आ चुकी है। सीआईडी चल। चलो भागा दौड़ी का काम खत्म हो गया हो तो थोड़ा गुनाह कबूल कर लें। हाँ मैंने और सोनिका ने मारा है काम्या वैशाली और निहारिका को, क्योंकि काम्या ने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर मेरे माँ बाप को मार डाला था और मैंने उनके पीने के पानी में जहर मिला दिया था। खाने में और पीने के पानी में जहर मिला दिया है, तुम लोग मत पीना। निहारिका रुको दो मिनट के लिए। क्या हुआ? अरे मुझे वॉशरूम जाना है। ये अचानक क्या हो गया मुझे? क्योंकि मैं मनन से बहुत प्यार करती हूँ
और मैं इसका बदला लेना चाहती थी। पूजा को क्यों मारा? वो तो मनन की बहन थी ना। पूजा को मैंने नहीं मारा, काम्या ने मारा होगा, क्योंकि काम्या ही लेती थी वो स्लीपिंग पिल्स। न जाने कब उसने उसके खाने में या पीने के पानी में मिला दी होंगी। मैंने पूजा की बॉटल में नीम की गोलियां मिला दी हैं। तुम लोग भूल के भी उसका पानी मत पीना। ओके। और मुझे पता भी नहीं है कि उसने काली बॉटल कब मेरे बैग में रख दिया होगा। और लक्ष्य? सर, लक्ष्य तो हमारा दोस्त था सर, उसके साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया। ए, थोड़ा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। शायद लक्ष्य ने पूजा की बोतल से ये सोच के पानी पिया होगा कि सोनिका ने उसमें जहर नहीं मिलाया है, लेकिन उसमें नींद की गोलियां थी जो काम्या ने मिलाई थी। उसमें नींद का असर हुआ और एक्सीडेंट हो गया। और लेकिन ये लक्ष्य दूसरे गैंग में पहुंचा कैसे? सर, जब हमें पता चला कि काम्या और उसके दोस्त मेरे माँ बाप के खूनी है, तो पूजा ने लक्ष्य और सोनिका को काम्या के ग्रुप में भेज दिया ताकि मौका मिलते ही उन्हें खत्म कर दिया जाए। फिर एक दिन गोवा जाने का प्लान बना, जिससे पूजा लिफ्ट लेने के बहाने हमारी हेल्प करने हमारे गैंग में आ गई। काम्या लक्ष्य और मेरे सामने तमाशा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो पूजा को जानती भी नहीं। पूजा, अगर तुमने यहाँ पे कुछ नाटक करने की कोशिश की ना, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, समझी? स्पेशली लक्ष्य और सोनिका के सामने। जिस तरह तेरे पापा को मारा था ना, वहीं पहुंचेगी तुम, समझी? वॉच इट। प्लान तो ऑलरेडी सेट है। तुम्हारा, निहारिका और वैशाली का आज आखिरी दिन है। सर, मुझे तो कुछ नहीं होगा ना सर। सर, मैं तो इनके प्लान में शामिल भी नहीं था सर। तो यहाँ क्या करने आए थे? सर, ये आप लोगों से हमारी सच्चाई छुपाने के लिए मनन से पैसे हेटने आया था। लालच बहुत बुरी बला होती है अक्की। जेल तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, और तुम अपने माँ बाप का खून का बदला लेने के लिए खून पे खून करते रहे, क्या हासिल हुआ? अपनी बहन पूजा और अपने दोस्त लक्ष्य को भी खो बैठे, और अब अपनी गर्लफ्रेंड सोनिका के साथ जेल के सलाखों के पीछे सड़ोगे जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.